एमएलए नरसिम्हा नायक बोल रहा हूँ। गोदाम में स्टॉक बराबर नहीं पहुँचा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अगर अपनी पत्नी को तो विधवा नहीं बनाना चाहता है तो जो मैं काम बोलता हूँ उसे सीधे से किया कर, नहीं तो पता है ना इस एमएलए के बारे में। चल फोन रख रहे, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। एक नंबर का काम चोर है तू। अरे गोदाम में स्टॉक बराबर आया कि नहीं ये तुझे बताना चाहिए था कि नहीं। इतना खाना खाता और काम ठीक से नहीं करता। अगर काम ठीक से नहीं करना है तो चल निकल यहाँ से। ओए, खाली खाना खाना आता है, मेहनत करना नहीं आता है? चल ठीक से काम कर। नमस्ते। चुप। तू इस गांव का एमएलए है तो इस गांव की सारी जमीन तेरी हो जाएगी। किसने कहा ये? क्या भाई, अभी तो आपने ही कहा कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ और मैं इस गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। गांव वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे वोट देकर यहाँ का एमएलए बनाया है। मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री बनाऊंगा और उस फैक्ट्री में मैं यहाँ के लोगों को काम दूंगा, ये मेरा फैसला है। अरे वो बेवकूफ कमीने, कोई भी बेवकूफ मेरे सामने आता है, लुंगी उठाता है, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वही है ना। अरे ओ बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जा और बच्चों के साथ जाकर लुका छुपी खेल, गोटी खेल, घोड़ा घोड़ी खेल। तुझे क्या जरूरत है इस गांव के लफड़ों में टांग अड़ाने की? जुबान संभाल कर मुझसे बात कर। ये मेरा गांव है, मेरे लोग हैं और मेरी जमीन है। जीने की इच्छा है तो चुपचाप यहाँ से निकल। ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी जमीन है। ऐसा जिसने भी कहा ना वो बहुत दूर चला गया। मुझे इस जमीन की जरूरत है। तेरी जान मुझे नहीं चाहिए बेवकूफ। इस एमएलए का आज तक कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सका। चार लोगों को लाकर तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे? तू कुछ नहीं कर सकता, चल जा। अरे जा जा, अरे जा ना, चुपचाप घर जा। मेरी बात मानेगा या फिर इसी खेत में गोबर बनकर सड़ेगा, फैसला तेरा है। तू इस जमीन पे फैक्ट्री डालना चाहता है, मैं यहाँ तेरी समाधि बना दूंगा। किसकी समाधि कौन बनाएगा ये मैं तुझे अभी बताता हूँ। खाना देने वाली जमीन को और तुमसे उम्र में बड़ों को हमेशा इज्जत देना सीख। Thank you.
है ये सब हम? घर में इतने हथियार पड़े हैं, फिर भी निहत्थे लड़ने के लिए चले गए, वो भी अकेले। हाँ नहीं जानती, मैं खुद यहाँ पर एक तलवार हूँ, मुझे क्या जरूरत किसी हथियार की। सही वक्त पर अगर मैंने अपने नाती को वहाँ नहीं भेजा होता तो आप यहाँ नहीं खड़े होते। हाल कुछ और ही होता और भविष्य में करते रहते। जय गोविंदा, जय गोविंदा। अपने नाती के भविष्य के बारे में सोचकर मैंने उन लोगों को वहाँ छोड़ दिया, नहीं तो उन सभी लोगों की मैंने वहीं पर समाधि बना दी होती। क्या समझ रखा है मुझे? रंगा यहाँ आओ। ये हुई ना बात, जरा हट जाइए तो। कौवे की नजर, भिखारी की नजर, ऐसी वैसी नजर, जितनी भी बुरी नजर हो वो सारी की सारी उतर जाए। उन लोगों को मार कर आया हूँ मैं, मेरी नजर उतारने की जगह तुम इसकी नजर उतार रही हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे नाना जी की नजर, उन गुंडों की नजर, सारे गुंडों की नजर उतर जाए तुम पे से। जाओ यहाँ से, जाओ। चलो मेरे रज्जो। चलिए चलिए। क्या कर रही है रे? हाँ? कौन है ये जो मुझे ऐसा कह रहा है? हाँ? सुनिए जी, इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? अब चलिए भी। किसी ने नहीं देखा, चलिए अंदर। तुमको कुछ पता नहीं है? शुगर ज्यादा है। नहीं बीपी ज्यादा है। शुगर ज्यादा है। नहीं बीपी ज्यादा है। शुगर ज्यादा है। बीपी ज्यादा है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? जाओ यहाँ से। ए, तुमने सही कहा था, इनका बीपी ही बहुत ज्यादा है। मालिक ये लीजिए बीपी की दवा। क्यों भाई रंगा, मैं दवा खाता हूँ तो तुम्हें बहुत खुशी होती है ना? बहुत खुशी होती है साहब। पहले आप बीपी की गोली तो ले लीजिए, ये लीजिए। क्यों रही है? जब मैं कहता हूँ कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खिलाना चाहिए, उसकी जगह तुम मुझे टैबलेट खाने को दे रही हो। अब मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूँ, अपने ससुराल चला जाऊंगा। वो क्या है जी कि मैं आपकी मनपसंद चीजें बनाने ही वाली थी। पहले आप बीपी की गोली ले लीजिए ना, ये लीजिए पानी यहाँ पे रखा है, वो भी लीजिए। क्यों नाना जी, आप अपने ससुराल जाने की सोच रहे हो? हमारी नानी के हाथों का बनाया खाना आपको पसंद नहीं आता क्या? मैं वहाँ ससुराल जाऊँ उसके लिए वहाँ बचा कौन है? वहाँ पर जितने भी लोग थे सब ऊपर चले गए हैं। अब चाहे कुछ भी बोलो, तेरी नानी सिर्फ गोली ही बढ़िया नहीं देती है, खाना भी जबरदस्त बनाती है। आप बहुत लकी हैं नाना जी। यस यस। आप दवाइयाँ खा लीजिए। अच्छा वो सब छोड़ो, वो जो तुम्हारा मामा है कहाँ गया वो? अरे गाओ खुशी से, गाओ खुशी खुशी, गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। क्या बात है मामा, बहुत ही खुशी में लग रहे हो। हाँ सिर्फ खुशी नहीं, आज के बाद पूरी जिंदगी फुल खुशी हो जाएगी। मतलब वो क्या है कि मेरी जिंदगी में अभी अभी एक खूबसूरत सुंदरी एंट्री कर गई है। मतलब मोहब्बत, प्यार, इश्क और रोमांस। आप इस उम्र में प्यार है? प्यार की कोई एज नहीं होती, ऐसा क्रेजी स्टार रविचंद्र ने कहा था। क्रेजी स्टार के रेंज का प्यार है? वो इतनी सुंदर है क्या? बहुत सुंदर है। आंखें दो कवल की तरह है, बाल रेशम की तरह, नाक उसकी गुलाब की तरह और उसके दांत अनार की तरह। बहुत सुंदर है। अरे छोड़ यार, देखेगा तो पागल हो जाएगा, समय आने दे। तुझे जरूर दिखाऊंगा, है ना, चल आजा। इस उम्र में क्रेजी लव। हे बेबी, आई एम योर। सबके सब बिजी हैं। ए ए ब्रो, अरे मैं मेरे को ए ब्रो, ए कृष्णा वेनी, मैं हे बुलबुल, गिरी देख रही है। हे रोहित, अरे यार तुम सारे लोगों को क्या हो गया है? आज से 10 साल पहले सब के सब चाय, कॉफी, लड़की वड़की, कॉलेज बंक करके मूवी जाने की बात करते थे, आज सब के सब मोबाइल में बिजी हो गए हैं। भगवान, तूने जब से ये एंड्रॉइड फोन जमीन पर उतार दिए है ना, मुझ जैसे लोग अकेले हो गए हैं। तुम भी अकेले हो जाओगे। अरे हो जाओगे नहीं, ऑलरेडी हो चुके हो। हाँ
भी बताता हूँ। नागराज को बुलाना पड़ेगा। नागराज कम, नागराज कम। ए सांप आया, सांप आया, सांप आया, सांप आया, कॉलेज में सांप आया, भागो भागो, अरे सांप आया काट लेगा, अरे अपनी जान बचाओ, भागो, नागराज आ गया है, नागराज सांप काट लेगा। ए, तू भी मोबाइल के व्हाट्सएप फेसबुक में डूब गया है क्या? अरे तेरे तो, ए, सबको तू ही बोल रहा था ना? अरे वो मैं क्या कि वो फेसबुक, अरे अरे वो भी है सामने, वहाँ तो देख। चल चल कर देखते हैं, आजा आजा। बेबी कमिंग। वो क्या करूँ, देखो ना एफ आ गया, देखो। हाँ तो आने देना, फ्रेंड बना लेंगे, रिचार्ज विचार्ज कराने के काम आएगा। ए वो छोड़ो, मेरा बॉयफ्रेंड ना पता नहीं कैसे कैसे मैसेज भेज रहा है। अरे तो इतना परेशान क्यों हो रही है, उसके साथ कॉफी पीने जाओ और उसे समझा दे। बेबी देखा तूने, पूरी दुनिया मोबाइल के अंदर बिजी है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी ये लड़कियाँ हमेशा पढ़ाई में ही बिजी रहती हैं। आज इनकी बात सुनते हैं। हाँ यार तुझे पता ही नहीं है क्या? हे वो तो बोल रहा है कि वो घर पर है, पर मैंने तो सुना है कि उसका खुद का घर है ही नहीं। अरे वो भाड़े का घर है, खुद का नहीं है। अच्छा उससे शादी करेगी तो बच्चे कैसे पता करेगी? शादी की बात कर रही है, सोचा है तुमने? और वो तो अपनी दोस्त की गाड़ी लेकर आता है। तो अब तू बता ये क्या करेगी? अरे छोड़, ये तो ना बकरी है, जो वो कहता है वो सुनती है। अच्छा तुझे बोला था ना तू मेरी बात मान रही है। अपना बॉस आ गया। हे राम राम श्रीमान जी। क्या बात है, फायर स्टेशन और फ्रस्ट्रेशन दोनों साथ में आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन नहीं है यार, हमारे कॉलेज की जो लड़कियां हैं ना कितनी खतरनाक हैं। साइंटिस्ट की तरह एक एक फोटोज को जूम करके देखे जा रही हैं, देखे जा रही हैं। किस लड़की के पास कार है, किसके पास लेटेस्ट बाइक है, किसके पास प्रॉपर्टी है, किस लड़के से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इस बात पे डिस्कस कर रही हैं। और जो गरीब लड़के हैं उन्हें राखी बांध करके पहले ही भैया बना चुकी हैं। खतरनाक है ये लड़कियां। और पता है 40% लोग बार बार पब में बैठे रहते हैं, 5% प्यार में मर रहे हैं, और उसके बाद बचे 5%, तो उसमें से 2% मालूम है क्या है, एंगेज्ड है, और एक डैमेज है, और एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो उसका पार्ट्स निकाल कर फेंक दिया गया, और अब सिर्फ बचा आप अकेले। तुम तो करोड़पति भी हो, हैंडसम भी हो, परफेक्ट भी हो और चार्मिंग भी हो, लड़कियों का फोकस तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही होगा। पर तुम्हारा फोकस किसके ऊपर है भाई? देख यार ये सारी बातें मुझे पसंद नहीं है। मेरा तो पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है। फोकस पढ़ाई पे, हॉट लड़की मिलते ही 2 मिनट में तुम्हारा फोकस बदल जाएगा। चलो अब बहुत हो गया। मोनिका दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है यार वो? सुमित्रा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये क्या है जी, टाई तो ठीक कर लीजिए। शाम को जल्दी आ जाइएगा, पार्टी में जाना है। श्योर डार्लिंग, श्योर। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर बैंकॉक के लिए तो बिजनेस टिकट बुक करने के लिए कहा था, नहीं मिल रहा सर, तो इकोनॉमी क्लास बुक करूं क्या? hey, बिजनेस क्लास नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी क्लास बुक करोगे? चार्टर्ड फ्लाइट बुक करो इडियट। सॉरी सर। उसने हमारे स्टेटस के बारे में पता नहीं किया, सबसे पहले उसे आप डिसमिस कर दीजिए इसी वक्त। ठीक सर। जी सर। हे जूस को ऐसे हाथ में ला रहे हो, ट्रे में नहीं ला सकते थे क्या? इडियट, ले जाओ। सॉरी सर। इंडिया में बहुत सिलेबस है, वो लोग हमारी बात नहीं मानते, दे आर सो चीप। You're right, Mom. Good morning. Good morning, Dad. Good morning. एक काम कीजिए, इन लेबर्स को हटा दीजिए और रोबोट्स लेकर आ जाइए। रोबोट्स? एक नया टेक्नोलॉजी? यस यस। अगर ये रोबोट्स आ गए ना तो लेबर्स का लफड़ा ही नहीं रहेगा। आई हेट लेबर्स। ओके, आई एम गेटिंग लेट फॉर कॉलेज। बाय बाय। बाय बाय। बाय डैड। बाय बाय। ये क्या है, ठीक से गाड़ी धो भी नहीं सकते? कोई काम ढंग से करना नहीं आता क्या? गलती हो गई मैडम, माफ कर दीजिए मैडम। ये नहीं नहीं मैडम। हाँ रंगना, तुम्हारा दिमाग कहीं और है, तो फिर काम ढंग से कैसे कर पाओगे? ऐसा नहीं है मैडम। ले लो ना। भगवान के लिए नहीं मैडम। क्यों मना कर रहे हो,
मुझे पता है कि तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए तुम्हारा दिमाग वही है। चलो ले लो। थैंक्स मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन KST FT DT इज कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इफ इट इज नॉट कन्वर्जेंट। अरे इसे लेक्चरर किसने बना दिया, हमारे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। मेरे बाप ने कॉलेज फीस से मेरी शादी करवा दी होती ना तो अब तक दो बच्चे हो गए होते मेरे, समझा? तेरे बच्चे तेरी तरह डफर ही पैदा होंगे। एक बात बता, ऊपर वाले ने लड़की जैसी हसीन चीज आखिर क्यों बना दी है? क्लास में बैठ के पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है। इन लड़कियों की लाइफ बिना ब्लैक बोर्ड की तरह सिंपल होती है, रहती प्रेजेंट में है, सोचती फ्यूचर में है। बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भेजती है, पिज्जा बर्गर ब्यूटी पार्लर सब कुछ उनको हाजिर हो जाता है। होने वाली बीवी के सामने मुझे थप्पड़ मत मार। लड़कियों के बारे में गलत बात मत बोल, चुपचाप क्लास में ध्यान दे। गुरुजी मान लिया। मैं समझ गया गुरु, क्या करूं, मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी है गुरु, इस तरफ कुछ भी नहीं, मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बहुत ही सुंदर हो लेकिन तुम्हारी पसंद की लड़की कहाँ है कुछ पता नहीं। Do you understand what I am telling? May I come in, sir? आजो बैठो बैठो आजो। हटो यहाँ से। आइए आइए। इनकमिंग नहीं, यहाँ पर कमिंग। शांति से बैठो। Good morning, sir. I'm नंदिनी। ये नंदिनी है। USA से यहाँ पर आई है। और यहाँ आने के बाद में हमारे कॉलेज को ज्वाइन किया इन्होंने। तुम सबके पास जो लेसन्स हो, नोट्स हो, जो कुछ भी हो, उनसे इनकी हेल्प कीजिए। सर मैं नोट्स लाया हूँ सर, मेरे नोट्स ले लीजिए। तुम क्यों दोगे? चलो। ये क्या, ये तो पूरा खाली है, सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा, आगे कुछ भी नहीं लिखा। सर वो खुद ही लिख लेगी ना, इसीलिए खाली रखा है। ये कैसे लिखेगी तुम्हारा सर? बैठो, तुम भी बैठ जाओ। थैंक यू सर। हाय। इस अमृत रस बनाने वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे नाना जी। अरे मेरे प्यारे नाती, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब क्या है, आज शुक्रवार को ही इतना लेकर बैठ गए? आपको तो सिर्फ संडे की ही परमिशन है, और तो और सिर्फ दो पैग अलाव हैं। लेकिन नाना जी आज तो आप पूरी बोतल ले आए हो। मेरे प्यारे नाती, आज तुम्हारी दादी का मौन व्रत चल रहा है, आज वो कोई बात नहीं करेगी, इसीलिए फुल बोतल। ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे, मैं किसी से डरता हूँ क्या? आज मैं पीऊंगा तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो, तुम ग्लास लाओ और तुम पानी लेकर आओ। नाना जी आप पीने से पहले इतनी बातें करते हो तो पीने के बाद क्या करोगे, इसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरी पी लूं तो ये पूरी धरती हिलने लगेगी। ए, ऐसे खड़े देख क्या रहे हो, डालो। छोटा लार्ज? क्या कहा? डबल लार्ज, पूरा डबल लार्ज होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्या रे? कड़वा लगा क्या? ये एक बार अंदर जाएगा ना तो अंदर का सारा कचड़ा अपने आप बाहर आ जाएगा। पी लीजिए। मेरी बोतल में तुमने कड़वी दवा डाल दी है, मेरी बोतल कहाँ है? वो तो अलमारी के अंदर बंद है। ए, इधर आ, देख जितनी भी बोतलें हैं ना, हाँ? सब उस कपाट में है और चाबी उसकी कमर में, अब क्या करें? नानी आप तो आज थोड़ी सी उम्र दराज लग रही हो, क्यों? अगर आप थोड़ी सी कम उम्र वाली होती ना तो मैं आपको लाइन मारता, सच कह रहा हूँ। ये लीजिए नाना जी। देखो विराज, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जहर है। नाना जी ये जहर नहीं है बल्कि ये तो अमृत है। ऐसा है क्या? नाती हो तो तेरे जैसा हो, मैंने गलत सोचा था,
नानी तो बेचारी मौन व्रत करने में बिजी हैं, लेकिन आप क्यों पीना चाहते हैं यह मैं समझ नहीं पाया। धीराज, तेरी नानी जो है ना, वो रोज मुझे ये टैबलेट खाओ वो टैबलेट खाओ ये सब कहते हुए सारे घर में मुझे घुमाती रहती है। उसे किसी पागल ने कहा अपने पति को खुश रखने के लिए तुम्हें मौन व्रत रखना चाहिए, इसीलिए उसने मौन व्रत रखा हुआ है। मैं जब तक उसकी आवाज नहीं सुन लेता मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, नींद नहीं आती है मुझे, इसीलिए मैं पी रहा हूँ नाती जी। चिकन कबाब, मटन कबाब। तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो, चलो जल्दी डालो डालो डालो। क्या नाना जी, कितने लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आप तो बहुत ही लकी हैं नाना जी। पीजिए पीजिए, मजे लीजिए। जानते हो ये जो है ना, यो घर की मालकिन ने क्या भेजा है? क्या भेजेगी, मुझे लाफा मारा और आपको ऑमलेट भेजा। तुम्हारी शादी कैसे होगी पता नहीं। शादी तो हो जाएगी, मेरी शादी करवा दीजिए ना प्लीज। तुम शादी क्यों करना चाहते हो, अभी तो छोटे बच्चे हो तुम। अगर सही उम्र में शादी हो जाती ना तो जो खेल मैं खेलता हूँ ना वो मेरा बच्चा खेल रहा होता। ठीक है देखते हैं। मामा शादी हो गई क्या या और भी करना चाहते हो? हाँ सिद्धन्ना, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ जी ठीक। ओके नमस्कार साहब। ओ, कैसे हैं आप? आराम है ना? चलो अच्छा। हाय कैसे हो? क्यों एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हो? एकदम बढ़िया। ओके ओके करो तैयारी करो। तैयारी। क्या बात है सर, कॉलेज में आपका इतना रौब? अरे रौब वॉब ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने दिल में प्यार है। प्यार हर किसी के साथ करना चाहिए और एक समान करना चाहिए। क्या मैं अभी आपकी नोट्स ले लूं? विराज, अरे हमें उससे नोटबुक लेनी थी, वो तो नोटबुक लेकर चला गया यार। चलो यार आप क्या करें यार, कुछ बोलेगा तू जा कर रहा है, कुछ बोल। कुछ पूछो। हाँ यस। वो विराज की इस कॉलेज में स्पेशल रिस्पेक्ट क्यों? वो क्या है कि अपना विराज ना कॉलेज के हर आदमी को अपनी फैमिली से बढ़कर मानता है। कॉलेज की सिक्योरिटी से लेकर प्रिंसिपल तक हर किसी की वो हेल्प करता है और रक्षा करता है। वहाँ पर कुछ लड़के कुछ खास करने की योजना बना रहे हैं। बता भी दे। अरे हम लोग भी इसी कॉलेज में है और हमारा रुतबा भी बहुत है, हमारे कारण ही विराज है। अपने विराज की स्टोरी बहुत बड़ी है समझी, इनको सुनाने में बहुत टाइम जाएगा। क्यों ये तो कहीं खो गई यार। इसको खो जाने दे, अपन चलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने मोरी से बात दिखाई नहीं दे रही यार, कहाँ गई तू, बता रहा था ना उसके बारे में। मैं आ गया ये लो। Excuse me? Yes. मैं बैठ सकता हूँ? चाहो तो बैठ सकते हो। Thank you. भाजी बैठ जाओ। कैसी हो? अच्छी हूँ, लेकिन आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैंने पूछा आप हैं कौन? मैं वो हूँ। स्माइल देते समय जब आप गिर रही थी तो मैंने ही आपको थामा था, पहचाना आपने? मैंने स्माइल किया था? मैं गिर रही थी? आपने भाई भी कहा था? मैं बचपन से ही बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत लोग मुझे भी जानते हैं, लेकिन आप कौन हैं? आपने स्माइल करके भाई बोला था, वही मैं सीढ़ी के ऊपर, आप सीढ़ी के नीचे। स्माइल जरूर दी थी मगर आपको नहीं दी थी। बाय। भांजे, इस ग्लास में और मेरे में कोई फर्क नहीं रह गया है। रंगना, आओ बैठ जाओ। विराज, तुम्हारे मामा को क्या हो गया भाई? वो क्या है ना, कल इन्होंने किसी लड़की को देख लिया था तो उसे पसंद करके डांस करने के लिए भाग कर यहाँ आ गए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो लड़की खुद ही इनसे पूछने लगेगी तुम हो कौन। कौन वो लड़की? हाँ, वो कोने के घर वाला गोपी गौड़ा की बेटी है ना। कौन वो रजनी? आप जानते क्या? अरे वो रजनी नहीं गजनी है।
वो आज आपसे मिलेगी और कल भूल जाएगी। उसको ऐसी भयंकर बीमारी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा, फिर उसके बाद उससे प्यार करूंगा। अरे उसका बाप उसके लिए इंजीनियर पॉलिटिशियंस ऐसा लड़का ढूंढ रहा है, तुम्हारे जैसा निकट्टी नहीं है। अरे छोड़ो, मैं साबित करके रहूंगा। यार मेरे पड़ोस में जो आंटी रहती है उसके हस्बैंड एक साल से घर में है मगर उसको फिर भी बच्चा हो गया। इसके पीछे क्या कहानी है? बहुत झोल कर रहा है चंदू। क्या बात है आज साड़ी? मैडम मैडम बड़ी हंसी आज लग रही है। कुछ स्पेशल है क्या? आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। ओह कांग्रेचुलेशंस। आज मेरा मैरिज डे नहीं, आज मेरी लाइफ का गैरेज डे बन गया है। भाई आंसू असली है या नकली है? नकली नहीं है यार, सच में आंसू निकल रहे मेरे। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तुमने लव मैरिज की थी ना? हाँ जी। तुमने प्रपोज किया था या फिर लड़की ने प्रपोज किया था? अरे क्या बात है भाई, सडनली रोने क्यों लग गए? सडनली नहीं, मैं तो रोज ऐसे ही रोता हूँ, उससे गलती की वजह से आज तक रो रहा हूँ। अरे हुआ क्या था भाई? मेरा मंगलसूत्र पहनने वाला लव स्टोरी नहीं है, हेट स्टोरी है। हेट स्टोरी है? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था लव स्टोरी सुना करता था। क्या क्या लव स्टोरी होती थी जानते हो? उसके बाद मैंने प्यार किया। अच्छा? वो हम हैप्पी ट्रेजेडी एंडिंग, ये सब नहीं चाहिए। इसलिए सोचकर मैंने एक पैसे वाली लड़की को पकड़ा और सोचा कि लाइफ सेट हो जाएगी मेरी। लेकिन भगवान ने मेरी क्या किस्मत सेट की है, तभी एक कार से आकर के रुकती है और उस कार में से एक एवरेज लड़की कार से नीचे उतरती है। मैं सब कुछ खो देता हूँ और वो लेकर चली जाती है। मेरा दिल। और फिर मैं उसका पीछा करता हूँ और उसे जल्दी से आई लव यू बोल देता हूँ ताकि मेरी लाइफ सेट हो जाए। उसके बाद उसके घर वाले एक रुपया दहेज नहीं देते हैं, लेकिन मुझे उसे शादी करनी पड़ती है। मेरा सपना टूट जाता है, गाड़ी बंगले का सपना सपना ही रह जाता है। सोच रहा था कि वो कार की मालिक होगी और यहीं से इस लव स्टोरी में ट्विस्ट आता है। पता है क्या ट्विस्ट? वो कार की मालिक नहीं थी, वो कार की ड्राइवर निकली। तब से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा सारा प्यार राख हो चुका है, लेकिन सपना अभी तक राख नहीं हुआ, अभी भी मेरे दिल में ही है। जब से मंगल सूत्र बांधा है तब से आज तक उसने मुझे बर्तन मांजने में लगा दिया है। सभी जायदाद बेच कर अपनी जिंदगी काट रहा हूँ। ये छोटा सा कैंटीन लिया है, वैसे तो मैरिज डे है लेकिन मेरे लिए बर्तन मांजने का डे है। मेरी बात सुनो, आज मैरिज डे है, कोई उसे समझाओ कि आज तो बर्तन मत मजवाए मुझसे। वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जाओ जाओ, वो आवाज लगा रही है, शायद बर्तन मांजने के लिए बुला रही होगी आपको। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ ठीक लग रहा है? ज्यादा काम मत करना। हाँ नंदिनी क्या कर रही हो? जाओ जाओ यहाँ से, अपना काम करो। क्या बेटी तुम एक नौकरानी की सेवा कर रही हो? हाँ डैडी इसे सेवा नहीं कहते हैं, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही थी डैड। देखो बेटी वो लोग लेबर्स हैं, वो लोग हमारी सेवा करते हैं और यही उनका कर्म है। मेरी बात सुनो। देखो बेटी उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? लेबर्स को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सुनो नंदिनी ये फिर नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस, प्लीज मेंटेन योर स्टैंडर्ड, डोंट रिपीट दिस। ओके नाना जी एक मिनट। नाना जी ये हमारी क्लासमेट नंदिनी है। नमस्ते। ये लोग कौन हैं? ये मेरे फादर और मदर हैं। नमस्ते। 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 ये मेरे नाना नानी और मामा जी हैं, यही लोग मेरे माता पिता हैं।
आज मेरे नाना जी का बर्थडे है इसलिए यहाँ आए हैं। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। आप क्या काम करते हैं? अमेरिका में हमारा होटल का बिजनेस है, इंडिया में उसका कुछ ब्रांच ओपन करना चाहते हैं इसीलिए आए हैं। ओह, और आप क्या करते हैं? सब भगवान की कृपा है, आप ही की तरह मैं भी बिजनेस, फार्म हाउस और स्कूल चलाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा लगा मिलकर। धन्यवाद। नमस्ते। लड़की तो काफी संस्कारी लगती है, हमारे विराज के लिए सही रहेगी। ऐसी बात है, ठीक है एक बार देख लेते हैं हम लोग। उसमें देखना क्या है, उस लड़की के लक्षण बहुत अच्छे, मुझे बहुत पसंद है। उसके बारे में छोड़ो, मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे बारे में अभी क्या सोचना है, अभी तो तुम बच्चे हो। ठीक है, उसके बारे में ही सोचो, मैं अपने बारे में खुद ही सोच लूंगा, ठीक है ना बाबा? मेरे ऊपर जरा ध्यान दो बाबा। जरा उधर तो देखो, कैसे भिखारियों से क्लोज होकर बात कर रहे हैं, थोड़ी सी भी डिग्निटी मेंटेन नहीं करते। छे, कैसे लोग हैं ये? लगता है इन लोगों में जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। देखिए तो वो उसे उस औरत से कैसे बात कर रही है। डिस्गस्टिंग। चलो चलते हैं। ये सब कैसे हो गया? हम देखे नहीं लगता कोई ना गाड़ी आई और धक्का मार के चली गई। आप लोग बस खड़े खड़े देख रहे हो, कोई हेल्प नहीं कर सकता है क्या? हे, क्या हुआ यहाँ? नंदिनी, उनका एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें मदद की जरूरत है। जरा इस लड़के को देखो, कितना स्मार्ट है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ। अमेरिका में रहता है, हमारी नंदिनी के लिए लगता है ये लड़का बहुत सही है, बहुत अच्छा है। हाँ। ए जी, देखिए एक फोटो आया है, ये भी लंदन में रहता है और वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाय मम्मी। हाय स्वीटी। आओ बेटी, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्मार्ट और अच्छा लड़का देख रहे हैं, आओ देखो। नो डैडी प्लीज, I'm not going to marry anyone. अरे बेटी आकर देखो, तुम्हें भी पसंद आएगा, बड़ा बिजनेसमैन है, स्मार्ट है, हैंडसम है, बेटी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लड़का है, जरा देख तो लो। Please, I'm not interested. ये क्या बार बार not interested कह रही हो? Oh my God. अच्छा एक काम करते हैं, अगर तुमने कोई लड़का पसंद किया है, उससे प्यार करती हो, तो तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो लड़का हमारे स्टेटस का होना चाहिए, समझ गई ना? अब बोलो। बोलो ना बेटी। ओके ओके मम्मी। कैसी है ये लड़की? नाउ आई एम वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप। ओके बाय। सुनिए जी, हमारी बेटी जरूर किसी से प्यार करती है। हाँ? हमारी बेटी है ना, हम लोगों की जैसी ही होगी। सुनो, तुम उससे जरा बात कर लेना। ओके समझ गई। प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। विराज को देखा क्या? नहीं देखा। काव्या तुमने देखा क्या? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। विकी, विराज को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ गया ये? रिचार्ज है। चुप बैठ। विराज, विराज कहाँ है? अब वो कहाँ होगा मुझे नहीं पता, शायद कैंटीन में होगा, तुम जाकर देखो। आ, आ, आ,
यार ये नंदनी भी ना कॉलेज में सारे लड़कों से पूछती फिर रही है। यार हमें नहीं विराज को पूछ रही है ना। क्यों संयक के साथ मणियों में आ आ गया आ गया आ गया कौन आ गया? तूने जो नंबर दिया था वो तो स्विच ऑफ आ रहा है वैसे। बारे में बताता हूँ यार। क्यों तुम दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ना? कुछ नहीं यार, बस तुम्हारा ट्रंप के साथ फिक्स हो गया, वही बात कर रहे थे हम। ट्रंप के साथ? अरे अरे अमेरिका वाला ट्रंप नहीं, नंदिनी। अब ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या वो इतने लड़कों में से सिर्फ एक को ही चाहती है? ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम उसके दिल हो। बड़ा मजा आए रजैया में। माता जी ये कितने का है? 20 रुपए का है। इस मंदिर के सामने ही बैठकर मेरा घर चल रहा है। तुम पैसों के बारे में मत सोचो, इनके दर्शन कराओगे ना तो सब ठीक होगा। जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका आशीर्वाद साथ होगा तो सब कुछ ठीक ही होगा। आपका सब ठीक है ना? ठीक है बेटा। और आपकी तबीयत सही है? हाँ हाँ भगवान की दया से सब ठीक है। ठीक है ये दे दीजिए। ये कितने का है? हाय नंदिनी। हे विराज, हाय। अरे तुम अपनी पत्नी से पहले आ गए थे। माँ जी हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है। ओ, अभी शादी नहीं हुई? तो कब करने वाले हो, किस बात का इंतजार है? नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब समझती हूँ। कॉलेज से जितने भी लड़के और लड़कियाँ आते हैं वो सब यही कहते हैं। अरे माँ जी प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। यहाँ भगवान की शरण में जो भी आता है भगवान उनका भला करते हैं। सॉरी नंदिनी, वो माँ जी हमारे बारे में कुछ जानती नहीं है इसलिए ऐसा बोल बैठी, तुम गलत मत समझना। It's okay. वैसे एक लड़का लड़की अगर पार्क में जाते हैं तो उन्हें लवर्स कहते हैं, वही अगर दोनों मंदिर में आ जाएं तो पति पत्नी समझते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यार तूने बताया नहीं वो मोनिका कहाँ गई है, कब से उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ यार, बंद आ रहा है। हे हाय रीटा। हाय। सुनिए बहन जी, कॉफी लेंगी क्या आप? वो मेरी सिस्टर है, सिस्टर। रख यार। अरे अगर विराज होता ना तो कॉफी के पैसे वही देता यार, दिलदार आदमी है वो। लव करते हो विराज, लेकिन कॉफी का बिल नहीं चुका सकते हैं। तेरे होते हुए मैं बिल भरूं अच्छा लगता है क्या? तुम ही भरो, मैं भी हूँ। क्या कहें यार, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई, बस ऐसे ही बैठे बैठे। अमेरिका वाला छोड़ के इंडिया वाला पहनी है। हाय। 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 हेलो। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक्स। चलो यार। चलो यार। मेरा मोबाइल। बैठ जाओ। नमस्ते। इन दोनों को खिचड़ी पकाने दो, हम फालतू में कबाब में हड्डी भरेंगे, चलते हैं यहाँ से। क्या हो गया, ये ऐसे क्यों नाचे जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? विराज अभी तो ठीक है ना? रंगन्ना है? आप यहाँ कैसे? मैं सब समझ गया हूँ, तुम्हारी ऐसी हालत देख के। कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की?
कौन लड़की? तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। अब बताओ कौन है वो लड़की? रंगना। बोलो ना। वो अच्छा नंदिनी है रंगना। नंदिनी? कौन नंदिनी? अरे वही रंगना, कॉलेज वाली, क्लासमेट। क्या बात कर रहे हो? बस उसे देखता ही रहता हूँ मैं। ओ रंगना, उसे बस ऐसे ही देखते रहूंगा क्या? उसके चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हट पाती। प्यार में ऐसा ही होता है, गधी भी परी लगती है, ये तो फिर भी लड़की है। रंगना। अच्छा वैसा तो ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं बताओ? अरे वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, सच में। अरे तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पहले अच्छे से कंफर्म कर लो, फिर फौरन बात आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो जिंदगी भर मेरे जैसा ही रहना पड़ेगा, समझ गए ना तुम? मैं उससे बोलूंगा, बोलूंगा रंगन्ना। अरे सोचते सोचते कहीं देर मत कर देना, जाके उससे फटाफट बोल दो। ठीक है रंगन्ना, अभी उसे कॉल करता हूँ। कॉल करो। क्या हुआ? बहुत टेंशन हो रही है रंगन्ना। ठीक है मैं बोलूंगा, लेकिन शाम को बोल दूंगा। अरे जल्दी बोल दो, लेट हो गया ना तो पछताते रह जाओगे, याद रखना है। अच्छा सुनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जरूर कामयाब होगे। सदैव खुश रहो। ओके रंगना, थैंक यू। अब शुरू हो जाओ। ओ मेरी जान है तू। कौन है ये लड़की और इस तरह डांस क्यों कर रही है? इसके माँ बाप नहीं है, ऐसे ही रोज यहाँ आकर डांस करती रहती है। बहुत अच्छी डांसर है ये, देखिए ना कितनी तन्मयता के साथ लगी है। लेकिन पंडित जी, रोज ऐसे ही? आज ऐसे डांस कर रही है, कल किसी और तरीके से करेगी, पता नहीं इसका क्या होगा। हाय गुड्डी। मैं इसे ले जाती हूँ, मुझे इसे रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो मुझे भी कुछ नहीं होगी, क्योंकि इतनी अच्छी और सुशील बहन पाने के बाद तो एक भाई को खुशी ही होगी। मैं इसकी परवरिश करूंगा। आओ गुड्डी। ओ हेलो, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, कब से बाल बना रहे हो, कभी कुछ पहनते हो फिर कभी कुछ पहनते हो। बेचारे उस आईने को रेस्ट करने दो, वो तो रोने भी लगा होगा। ए, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? स्कूल की बात अब छोड़ दो, मैं ब्यूटी क्वीन होकर भी 30 मिनट में रेडी हो जाती हूँ, और आप पिछले 3 घंटों से तैयार हो रहे हो। ए, तुम बच्ची हो, कुछ जानती नहीं हो, चलो जाओ चुपचाप। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। अब जाओ यहाँ से। हाय नाना जी। हाय बच्चे, आ जाओ बैठो। तुम लोग तैयार हो गई क्या? विराज कहाँ है? आ रहे हैं, देखिए। क्या हो गया, कुछ स्पेशल है क्या आज? आशीर्वाद दीजिए नाना जी, आज मेरा एग्जाम होने वाला है। अरे भाई ऐसा कौन सा एग्जाम आ गया आज? नाना जी ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, जीते रहो। हाय विराज। नंदिनी? अरे बाप रे, भांडा फूट गया क्या? नमस्ते दादी। नमस्ते दादाजी। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। क्या हुआ? बैठ जाओ। नाना जी ये नंदिनी है, हमें मंदिर में मिली थी ना उस दिन। नाना जी, नानी जी, मैं आप दोनों से ही मिलने आई हूँ, विराज से नहीं। एक्चुअली मैं और विराज एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसने आपसे कुछ नहीं बताया होगा, इसलिए मैं आपसे बताने आई हूँ, क्योंकि शादी करने के लिए आप दोनों की मंजूरी चाहिए ना हमें। ये क्या है, ये तो प्यार व्यार की बात कर रही है और शादी की भी। तुम्हारा तो मौन व्रत है, मैं क्या करूं अब? ये नाना नानी तो टेंशन में आ गए। चलो हम दोनों बाहर चल के बात करते हैं। हमारा नाती ना कुछ ज्यादा ही फास्ट है। ठीक है तुम अंदर जाओ ना, उसके कमरे में जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, जाओ। चलो नंदिनी आओ, जल्दी चलो यहाँ से, चलो। कमाल है नंदिनी, तुमने तो सबको सरप्राइज देकर मुझे शॉक ही दे दिया। नहीं बताना चाहिए था क्या? नहीं वो बात नहीं है नंदिनी। अच्छा नंदिनी सुनो ना। सुनो तो। सुन रही हूँ ना। देखो। अरे देख रही हूँ ना। वो मैं तुम तुम्हें मुझे मैं तुम्हें पसंद नहीं करते हो क्या? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद तुम्हें ये बात बताने वाला था,
लेकिन बताओ बताओ ना बताओ। I love you। क्या है? ए विराज आ रहा हूँ नाना जी। आओ। मैं जानती थी आज मेरा बेटा पाउडर शाउडर लगाकर अच्छे से तैयार हो रहा था, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ए, आज तुम्हारा मौन व्रत है? जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मौन व्रत तो अब टूट चुका है। सुनो बेटी, मैं तुम्हारे घर आकर तुम दोनों की शादी की बात करूंगी, लेकिन वादा करो हमें जल्दी से छोटा सा बच्चा दोगी। क्या सोच रही हो? मैं नहीं बता सकती, मैं आपसे मौन व्रत में हूँ। पकड़ो 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 ये लो। लोग इस छोटे से स्टेट में पैदा होते हैं, उसके बाद फॉरेन चले जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन तुम में क्या स्पेशल है जो वहां से यहां आकर इस छोटे से स्टेट में घूम रही हो? क्यों जानते हो, अगर मैं वहां रहती तो ये जो लड़का सामने खड़ा है उसे मैं कैसे मिलती, बताओ। ओहो, बस बस अब चुप रहो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो इस लड़के को मैं पसंद करती हूं, तो वो मुझे नहीं मिलता ना। अच्छा एक बात जानते हो? बोलो। यहाँ के लड़कों से ज्यादा कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। वो तो मुझे पता है। एक और बात पता है, जब मैं फॉरेन में थी ना तो मेरे मम्मी डैडी मुझे यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया करते थे, यहाँ की एजुकेशन और कॉलेज के बारे में, यहाँ के रिश्ते एंड दोस फीलिंग्स, दिस ब्यूटीफुल नेचर, और अब लगता है दैट आई रियली नीड यू। विराज 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 कहाँ चला गया? विराज 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 हे hey! कहाँ चले गए थे तुम? अरे अरे कितना डर गई थी मैं, पता है? ये लो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अपनी जान से भी ज्यादा मानता हूँ। हमारे प्यार के बारे में घर में पता चलने से मैं बहुत खुश हूँ नंदिनी। अब तो मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ ना? हाँ बिल्कुल, बस तुम ही मेरी फैमिली हो, और तुम सिर्फ मेरी फैमिली में नहीं हो, तुम मेरा सब कुछ हो। क्या लेंगे, कॉफी या टी? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। बात यह है कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम इनकी शादी की बात करने आए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम आपको अच्छी तरह जानते नहीं हैं, इसीलिए आपके घर पर एक बार आना चाहते हैं। जी हाँ। आपका घर और संबंधी लोग कैसे हैं यह हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बेटी वहां पर जाने वाली है ना। आपने शादी के लिए हाँ कह दी, इसकी बहुत खुशी हुई मुझे। आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो वो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी भी एक बेटी थी और ये उसी का बेटा है। इसके पैदा होने के बाद इसकी माँ गुजर गई, फिर इसके पिता भी गुजर गए, उसके बाद ये हमारे साथ अब यहीं पर रहता है। अब यही मेरा बेटा, बेटी, नाती, पोता, सब कुछ यही है। आप मेरी जायदाद के बारे में पूछेंगे तो मेरी जितनी भी जायदाद है वो इसी के नाम होने वाली है। अगर विराज के बारे में कुछ कहूँ तो ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। हम भले ही गलती कर सकते हैं पर ये कभी नहीं कर सकता। बिना माँ बाप के पला बड़ा लड़का है। आपकी बेटी इसे चाहती है, इस बात से हम बहुत खुश हैं, और वो भी खुश रहेगी। हमारी बेटी हमेशा खुश रहे इसलिए एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। मंगनी कब रखनी है ये बताइए ना। वो तो कभी भी रख सकते हैं, हम तो हमेशा तैयार हैं। ठीक है, तो फिर एक अच्छा मुहूर्त निकाल कर हम आपको बताते हैं। जी ठीक। नाना जी क्या बात है, यहाँ बढ़िया सा डेकोरेशन करके मस्ती के मूड में बैठे हो। मजाक क्यों कर रहे हो, यहाँ कोई खुशी नहीं है। आपकी खुशी कहाँ है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ए चले गल। ये क्या है, खुशी? इसे खुशी मिलती है? आपको खुश करने के लिए मैं और विराज मिलकर आपके लिए ये खुशी ले आए। इसे कैसी खुशी मिलेगी? नाना जी इसे खोलिए तो अंदर खुशी भरी है। आराम से आराम से। मैं यही हूँ, ये बात आपको पता नहीं है क्या?
कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर ज्यादा होता है। ये करेले का जूस शरीर के लिए अच्छा होता है, पी लीजिए। करेले का जूस लेकर आए हैं। आपको पता नहीं आज हमारे विराज का एंगेजमेंट है, हमारे दादाजी को खुशी नहीं है। और ये बताइए, आप कभी खुशी का जूस पिए? ये वही है हमारे विराज के एंगेजमेंट के लिए सुपर जूस। क्या है? खुशी जूस एंगेजमेंट का सुपर जूस? तो एक काम करता हूँ, मैं भी पी लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे रुके रुके, पीजिए पीजिए। नाना, रंगन्ना को बहुत खुशी मिली है। हाँ, सच में मिल गई। एकदम सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, खुशी जूस। अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। अरे इतनी ज्यादा आप क्यों पी रहे हैं? सुनो सिद्धा, ये खुशी का जूस है, समझे? बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा मत पियो, चलो चलते हैं। सुनिए, आइए चलते हैं। ए, हाँ, हमारे दादाजी को भी खुशी नहीं मिली है, तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ भाई। खुशी है, खुशी बात कर रहा है। अरे चलो यार। अरे विराज, ये लोग तो गए, अब तुम बताओ। नाना जी, एक खुशी चली गई तो क्या हुआ, आपके लिए डबल खुशी है। निकाल ये लो। खुशी, अब जाकर खुशी मिली मुझे। ये खुशी का जूस है, आप पियेंगे तो मेरी तरह आप भी खुश रहेंगे। पीजी, पीजी, पीजी। तुम एक लेबर हो और तुम यहाँ नशा कर रहे हो और मुझे भी नशा के लिए बोल रहे हो। तुम्हें इस घर का स्टेटस पता है क्या? चलो जाओ। इतनी देर से मैं देखता आ रहा हूँ, सबको लेबर लेबर कहकर बुला रहे हो तुम। इस दुनिया में लेबर के बिना कोई काम होता है क्या? लखपति हो या फिर कोई करोड़पति ही हो, एक दूसरे का साथ दिए बिना आज तक कोई आगे बढ़ पाया है क्या? चीफ फेलो कहते आ रहे हो इसको तुम। चीफ फेलो हो या फिर क्लास फेलो हो, इंसान को इंसान ही कहते हैं, जानवर नहीं। कितने भी बड़े करोड़पति हो, खाना खाना ही पड़ता है। उस खाने के लिए फसल उगाने वाला कौन है, घर साफ करने वाला कौन है, तुम्हारा ख्याल रखने वाला कौन है? ये चीप लेबर ही है ना। पैसों से ही कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है, बड़ा आदमी बनने के लिए दिल बड़ा होना जरूरी है, 10 लोगों को खाना खिलाने का मन होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा? यू आर इंसल्टिंग मी। सुनो, तुम्हारी गलती जब मैंने तुम्हें बता दी तो तुम्हें इंसल्ट फील हो रहा है। इतने लोगों के सामने जब तुमने इसे तमाचा मारा, इसकी इंसल्ट नहीं हुई क्या? तुम एक बिजनेसमैन हो, सिर्फ बिजनेस की बातें करोगे ना, लेकिन ये जो लेबर होता है अपना पेट भरने के लिए गली गली में घूमकर तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाता रहता है। इस संसार के अंदर इंसान को इंसान ना समझकर उसे पैसों के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर बांटते रहते हो तुम लोग। लुक, आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे सामने ये लेबर है, ये पैसे वाला है, ये गरीब आदमी है, फिर कभी मत कहना। तुम अब भी मेरा इंसल्ट कर रहे हो, वो भी इतने लोगों के सामने। इंसल्ट नहीं है, ये सच है। ये सब होने के बाद भी तुम्हें क्या लगता है मैं इस घर में लड़की दूंगा? लड़की नहीं देनी है तो तुम रख लो। तुम्हारे घर में मेरा ये नाती दामाद बनकर जाए, ये मैं भी नहीं चाहता। जा रहा हूँ, इस लड़के से भी अच्छा लड़का मैं ढूंढूंगा। चलो बेटी। Hey, जाओ। मेरी बेटी उससे प्यार करती है, इसीलिए मैं उसके साथ इसकी शादी करने के लिए तैयार हुआ था, नहीं तो मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। इसके बारे में बात करना ही बेकार है, क्या हम इंसान की कीमत नहीं जानते हैं? Ridiculous. एक स्टेटस मेंटेन नहीं कर सकते ये लोग। उन्हें ये भी नहीं पता किससे कैसे बात करनी है, और उन्हें लगता था कि मैं अपनी बेटी उस घर में दूंगा। अच्छा हुआ एंगेजमेंट रुक गई। हमारी औकात क्या है, हा? हमारी हैसियत तक नहीं जानते, एक छोटी सी बात के लिए उन्होंने हमारी बेइज्जती की। देख लेना, मैं उससे भी ज्यादा पैसे वाले से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, वो अपने आप को समझता क्या है, हा? मैंने गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी, पर वो बार बार हर किसी के सामने लेबर लेबर कह रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर उस समय मैंने पी नहीं रखी होती तो ऐसा नहीं होता, जिस लड़की को हमने पसंद किया था वो दूर नहीं होती। अब मैं कभी भी नहीं पीऊंगा, कभी नहीं। हाँ नाना जी, अरे भाई जरा लाना तो। ये लीजिए, ये लीजिए। लो नाना जी, पी लो। नाना जी,
आपके पीने की वजह से ये एंगेजमेंट नहीं रुकी, बल्कि एंगेजमेंट टूटने से उन्हें एक बहुत अच्छा सबक मिला है। गलत को हमेशा गलत कहना यह आपका बड़प्पन है नाना जी, और उस गलती को ना सुधारना ये उनकी भूल है नाना जी। जो इंसानियत नहीं रखते ऐसे लोगों से हमें कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए। हम सब एक परिवार जैसे हैं, और इसमें अगर किसी की बेइज्जती हुई तो वो हम सबकी बेइज्जती है। आप जितना बड़प्पन उन लोगों में कहाँ है नाना जी, इसलिए आप उस बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए नाना जी। ए रंगन्ना, जरा पानी लेके आओ। ठीक है, ये लीजिए। रंगन्ना कहाँ है? उसकी वजह से ये सब हुआ है, इसलिए वो नहीं आया। अरे तो इस बात के लिए नाराज थोड़ी होना चाहिए, चलो बुलाओ उसे। ये लो नाना जी, पी लीजिए। नानी कुछ नहीं बोलेगी, आप पी लो नाना जी। मैं जानता हूं बेटी तुम बहुत दुखी हो, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं भी बहुत दुखी हूं। लेकिन बेटी, अब यहां गलत कौन है ये तो मैं नहीं जानता। गलती इंसान से ही होती है। हर इंसान में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, और वो अपने संस्कार के हिसाब से ही जीता है बेटी, और हम अपने हिसाब से जिएंगे बेटी, समझ गई ना? विराज बहुत अच्छा लड़का हो सकता है, तो वो अपने संस्कार के हिसाब से एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेगा बेटी, और तुम अपनी हैसियत वाले एक अच्छे लड़के से शादी कर लो। नंदिनी, मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर बहुत सारे अच्छे लड़कों की तस्वीरें इस मोबाइल में अपलोड किया है बेटी। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें विराज से शादी करनी है या इनमें से किसी एक से। अच्छी तरह सोच लो और मुझे बताओ कि इन दोनों में से किसे डिलीट करोगे। डैडी, मेरा एक ही दिल है और मैं विराज से प्यार करती हूँ। अगर मुझे इस प्यार को छोड़ना होगा तो मेरे दिल को मरना होगा। इस जन्म में तो विराज ही मेरे दिल में रहेगा, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता डैडी। ठीक है बेटा नंदिनी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम सोचो और सोच कर कोई सही फैसला लो, ठीक है? अब इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना जरूरी था क्या? क्या कहा? ये छोटी सी बात है? तुम्हारे पिताजी इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मांगने के वक्त मेरे डैडी ने ड्रिंक्स पीने के लिए कहा था क्या? देखो, कोई भी फंक्शन हो वहाँ एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने स्टेटस की बात कर दी वहाँ। अरे स्टेटस क्या, अमेरिका से आया है, हमें क्यों दिखाना? मेरे नाना जी तो एक स्टेप आगे हैं। अगर एक पैग उन्होंने ज्यादा पी क्या लिया तो वो उनकी वीकनेस हो गई। और क्या तुम देखती नहीं हो, फॉरेन स्कॉच पियो तो वो स्टेटस हो गया, लोकल स्कॉच पियो तो वो स्टेटस नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे। अगर आज तुम मेरे डैडी से नफरत करते हो तो कल मुझसे भी कर सकते हो ना? वो बात नहीं है नंदिनी, आई एम सॉरी नंदिनी, टेंशन में मैं बहुत ज्यादा बोल गया, आई एम सॉरी। देखो तुम ही मेरी जिंदगी हो, लेकिन मैं नहीं बदल सकता, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, हमारे प्यार के लिए हमारे परिवार को हमसे दूर नहीं होना चाहिए। नहीं, भाई दो पेप्सी लाना। ऐ शाम, ये प्लेट लेके अंदर जाओ। भाई आपने दो पेप्सी क्यों दे दी? भाई आपने तो बोला था दो लाने के लिए। भाई वो क्या बात है भाई, आज आप इतने दुखी क्यों लग रहे? नहीं नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं जानता हूँ भाई, आप उससे बहुत प्यार करते हैं ना, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। जो हुआ सब भूल जाइए और एक हो जाइए ना फिर से। देखिए अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये नहीं हो सकता है? मैं और वो एक साथ रहने का कोई चांस ही नहीं है भाई। अरे एक तो उसके घर में उसके माँ पिता उसकी जान है, और मेरे घर में सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। वैसे दोनों परिवार ही इस शादी को बिल्कुल पसंद नहीं करते।
अगर हम दोनों भाग कर भी शादी कर लेंगे तो मेरे परिवार वालों को और उसके परिवार वालों को हम कभी धोखा नहीं दे सकते, वरना हमारे प्यार को किसी की बुरी नजर लग जाएगी और हम खुश नहीं रह सकते। अरे वो कहीं भी रहे बस खुश रहे। विराज, इन दोनों का प्यार देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे, लेकिन ये क्या हो गया? अब तो इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि अब जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं। क्या बात है अंकल, दो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर बैठे हैं, दोनों आपके लिए हैं? नहीं, वो दोनों तुम्हारे लिए हैं बेटा, तुम चाहो तो दोनों पी लो, परेशान मत हो बेटी। सुनो, अगर कॉफी गर्म होती है तो बिस्किट खाने में भी बहुत मजा आता है, अगर वो ठंडी हो जाए तो मजा खराब हो जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों भाग कर शादी नहीं कर सकते हो क्या? नहीं अंकल, ये नहीं हो सकता। हमारे घर वाले हम पर बहुत भरोसा करते हैं और अगर हमने ऐसा किया तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बस चाहती हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे। दोनों एक जैसे ही सोच रहे हैं। हे भगवान, इन दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? अच्छा, प्यार का त्योहार तो साल में एक बार ही आता है, वैलेंटाइन डे पर। दो प्रेमियों को आपस में मिलने देने में ये परिवार हमेशा विरोध में क्यों खड़ा हो जाता है? हे भगवान, इन दोनों प्रेमियों की आपस में शादी करा दो, एक पाव लड्डू चढ़ाऊंगा मैं आपके मंदिर में। राज, देखो मैं आ गई। हाँ, तुम हो? ए, चलो। ये क्या तुम ऐसे सडनली आ गई? सरप्राइज है यार, सरप्राइज। तुम और सरप्राइज दोगी? कम से कम पहले बताना तो चाहिए था। पहले बता देती तो फिर ये सरप्राइज कैसे होता? अच्छा ये बताओ, रात भर ठीक से सो नहीं पाए क्या? यहाँ ज्यादा गर्लफ्रेंड्स बना रखी हैं क्या? ए, छोड़ो ना। तुम भी ना, अब तक जरा भी नहीं बदली। जैसे तुम्हें पहले देखा था अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो। चलो ठीक है, तुम नाना नानी से बात करो, मैं फ्रेश होके अभी आता हूँ। विराज, हे, कॉफी लेकर आओ। ला रही हूँ जी। बहुत थक गया वास्तव। ये लीजिए। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? हाय दादाजी। अरे रेखा बेटी, तुम ठीक तो हो? आशीर्वाद दीजिए। दादी जी, क्या सरप्राइज दिया है तुमने। बैठो 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 बेटी। दादाजी, I was just waiting to see you both. मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो नहीं आए। मैं अकेली ही आई हूँ दादी जी। वैसे ना, you're looking so cute. तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? दोनों बहुत अच्छे हैं। But they never ever reverted to me. They are so workaholic. Always busy, busy, busy. I just came to see you guys. नाना जी, लगता है इसके टॉर्चर से इसके माता पिता भी दूर चले जाते होंगे। ज्यादा बोलो मत। जाओ बेटा, जाकर पहले फ्रेश हो जाओ। ठीक है दादी, तुम्हें बाद में देखूंगी। ठीक है, जाओ। ओह, फोन। विराज, नंदिनी। हेलो, हूज दिस? हेलो, हूज दिस? आप कौन है? मैं विराज की फियांसे हूँ। वो मोबाइल यहाँ छोड़कर चला गया, थोड़ी देर में उसे बोलती हूँ कॉल करे, ठीक है? बाय। ओके बाय। नानी, बहुत भूख लगी है, और कितना टाइम लगाओगी? ला रही हूँ ना बेटा। कितनी देर लगा देती हो? क्या बनाया आज तुमने? ये है बिरयानी। हेलो एवरीवन। ओह, क्या बात है, आज तो एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लिया। क्यों, मैं ये नहीं पहन सकती क्या? ऐसी बात नहीं है, तुम फॉरेन से पढ़ाई करके आई हो ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। आओ बेटी बैठो। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो। पता है विराज, अमेरिका में रहने के बाद भी मैं अपना इंडियन कल्चर नहीं भूली और तुम्हें भी नहीं भूली। अच्छा सुनो, सुबह सुबह नंदिनी नाम की लड़की का फोन आ रहा था। क्या कहा उसने?
Nothing. उसने कुछ कहा ही नहीं. And I just told her कि मैं विराग से बाद में फोन करने के लिए कह दूंगी. Hey, what happened? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं बाद में फोन करता हूँ उसे. तुम नाश्ता करो. नानी चलो परोसो. अच्छा मुझे शहर घुमा दोगे क्या? Yeah, sure, घुमा दूंगा. Come on, yeah. से इतने दिन दूर रही. I missed you so much, पता है? And what is wrong with you? Am I not beautiful for you anymore? एक compliment तक नहीं दिया तुमने. इतनी अच्छी figure है मेरी. ऐसी लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी बताओ? हाँ? Look at this place. Oh God, it's heaven. वैसे तुम काफी अच्छे लग रहे हो. Hey, come on. What's wrong with you? नहीं क्यों लड़का है? Just cheer up. अरे मैं खुश हूँ. तुम चिंता मत करो. नहीं करती. It's so nice to be here. It's amazing. I love you, Viraj. Come. Let's go. Chalo na. Hey, bachi. Ye chudiyan bahut hi sundar hain. तुम मुझे दोगी? नहीं दूंगी. प्लीज प्लीज गुड़िया. कहाँ देखो. ओए, ये क्या है? ये किसके लिए? मेरे लिए? ये तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे ग्रैंडपा के लिए है. हे, पता नहीं ये मेरे नाना जी का क्या अवतार बनाने वाली है. छोड़ो, अपना हाथ दिखाओ. ये अरे ये क्या है? ये लाइन कब से है? अब ये किसके लिए? ये मेरी ग्रैंड माँ के लिए है. तुम चुप रहो. अरे बाप रे, लगता है ये पूरी पागल हो गई है. छोड़ो, जाने दो. शट अप. चलिए ना दादाजी. दादी जी चलिए. कम. डोंट फील शाय. कम. अरे अरे बेटा. देखो क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो वो बिल्कुल आप दोनों जैसे ही होते. हम तुम्हारे माँ बाप ही तो हैं ना बेटा. मेरे मम्मी पापा नहीं है इसलिए आप मुझे यहाँ लेकर आए. आपके मम्मी पापा नहीं है तो आप रो रहे हैं. देखिए मैं यहाँ कितनी खुश हूँ. आपको भी मेरी तरह खुश रहना चाहिए. ठीक है, मैं खुश रहूंगा. How sweet. हेलो. हाँ कौन? महेश बोल रहे हो? मैं ही बोल रहा हूँ. क्यों खुश हो ना? हाँ क्या खुश रहूंगा. hey, तुम्हें काम करना है. क्या काम करना है? अपने बेटे को लेकर मेरे घर पर आ जाओ. मेरा बेटा? क्यों? अरे भाई शादी की बात करनी है. किससे? अरे क्या तुम नहीं जानते हो मेरी एक बेटी भी है. ओह अच्छा, उसके लिए? हाँ उसी के लिए. ओके. किस गहरी सोच में डूबे हैं? विराज के बारे में सोच रहा हूँ. आजकल वो बहुत शांत रहता है. उस लड़की के बारे में सोचता रहता है. बहुत दुखी है बेचारा आजकल. क्या बोलती हो तुम? वो दुखी नहीं है. रेखा के आने के बाद वो बहुत खुश है. आप बेकार में इतना परेशान हो रहे हैं. तुम सच कह रही हो? हाँ जी. वहाँ देखिए. हाय नाना जी. हाय नानी जी. हेलो हेलो. हमारी जोड़ी कैसी है? जोड़ी तो बहुत खूबसूरत है. मेरी नजर न लग जाए. ये मुझे बाहर घुमाने ले जा रहा है. मैं मना करूंगा तो ये थोड़ी ना छोड़ेगी मुझे. इसलिए दिल पे पत्थर रख के बाहर ले जा रहा हूँ. बाय 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 बेटा. बाय. देखा आपने? सब कुछ देखा मैंने. रेखा के आने से ये बहुत खुश रहने लगा है. और इन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है. आज ये दोनों लौट कर आएंगे तो इनके मन में क्या है ये आज मैं इनसे जरूर पूछ लूंगा.
पिछले साल तुमने जो बिजनेस शुरू किया था अब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रेट, गुड गुड गुड। ओह, आओ बेटी आओ, आओ आओ बेटी, बैठो। कम। ये अरविंद है, लॉस वेगास में रहता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और ये इसकी पत्नी है। नमस्ते। और वो इसका बेटा है। वो कैलिफोर्निया में रहता है। He is also a businessman. ये नंदनी मेरी बेटी है। अरविंद, तुम्हें यहाँ कैलिफोर्निया से क्यों बुलाया क्या तुम जानते हो? तुम्हारे साथ अपनी बेटी की मैं शादी करवाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे, क्या बोलते हो? बेटा तुम्हें मंजूर है ना? एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। बेटी, तुम्हें अरविंद पसंद है ना? जैसी आपकी मर्जी। ओह वेरी गुड। तो भाई आने वाले शुभ मुहूर्त में हम इनकी शादी करवा देते हैं, क्यों बेटा? हाँ, तुम क्या कहते हो? तुम्हें मंजूर है ना? मंजूर है। इसे ऐसे खेलो बेटा, क्या सोच रही हो, सीख गई? इधर देखो, मैं दिखाता हूँ, ऐसे करो। ऐसे तुम भी करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, विराज साथ में घूमने जा रहे हो? जी नाना जी। रेखा जरा यहाँ कर बैठो। हाय बेबी। बेटा जाओ तुम खेलो, बैठो। क्या बात है दादाजी? तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ बेटा। पूछिए ना। विराज के साथ तुम शादी करोगे? थैंक यू दादाजी। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मजाक तो नहीं कर रहे ना आप? कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हें पसंद है ना? बहुत पसंद है, लेकिन आप पहले इससे पूछ लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। विराज बताओ, ये तुम्हें पसंद है? आपकी पसंद ही मेरी पसंद है नाना जी। आप दोनों क्या एक दूसरे से पहले मिले हैं? Do you guys know each other? इसका नाम नंदिनी है। ओह नंदिनी, वही जिसका कॉल आया था, वही नंदिनी है ना? हाय नंदिनी। हेलो, आई एम रेखा। You know what, नंदिनी, हम दोनों शादी करने वाले हैं। How do we look? Tell me. Hey, why are you looking at me so shockingly? बताओ हमारी जोड़ी कैसी है? Nice. Wishes, congratulations. Congratulations. Thank you. Hey, bye, नंदिनी. चलो ना, चलते हैं, लेट हो रहा है। क्यों माँ जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। फूल दीजिए। क्या बात है दादी, ऐसे क्यों देख रही हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारी जोड़ी अच्छी है ना? हे विराज, तुम्हारी फ्रेंड है वहाँ नंदिनी, चलो उससे मिलते हैं। ओह हाय। हाय नंदिनी, क्या बात है, इतनी अपसेट क्यों हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट लाइक दैट, थोड़ी सी परेशानी थी बस इसलिए। Don't worry, ये विराज है ना, इससे बात करोगी तो ठीक हो जाओगी। I'm sure he'll make you happy. Hello? हाँ नाना जी, तुम्हारे लिए फोन। Oh, excuse me, I'll be right back. हाँ बोलिए नाना जी। तो शादी फिक्स हो गई है? देख तो रहे हैं। और तुम्हारी? अभी तो लड़का देख ही रहे हैं। तुम्हें तो अपने माँ पापा को खुश रखना है ना? नाना जी नानी जी कैसे हैं? वो तो ठीक है, रेखा के आने से घर में थोड़ी सी खुशी आ गई है। अच्छी बात है, और बताओ? सॉरी नंदिनी, गलत मत समझना, हम दोनों जिंदगी भर फ्रेंड्स ही रहेंगे तो ही अच्छा है। कोशिश कर सकते हैं। क्या बात है, बताइए तो सही, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? देखो बेटी, आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। ये मेरा घर है। ओह। लेकिन इस घर में मैं कभी नहीं रहा, मैं विराज के पिता के साथ बड़ा हुआ हूँ।
और चाहता हूँ कि वो लोग हमेशा खुश रहें। उस घर में क्या हो रहा है मुझे सब पता है, मेरा सुख मेरा दुख सब कुछ उस घर से जुड़ा हुआ है। भगवान के लिए मेरी बात का बुरा मत मानना बेटी, तुमसे बात कहना चाहता हूँ, तुम अपनी जगह वापस चली जाओ, इसी में भलाई है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे साफ साफ बताइए, मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है क्या, या फिर आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं, तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ बेटी, और तुमसे नाराज क्यों होऊंगा, लेकिन वो बात ये है कि मैं और विराज एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम यहाँ नशा कर रहे हो और मुझे भी नशा के लिए बोल रहे हो? लड़की नहीं देनी है तो तुम रख लो। इस लड़के से भी अच्छा लड़का मैं ढूंढूंगा, चलो बेटी। मैं जानती थी इस घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ बेटी, विराज तुमसे प्यार करे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ नंदिनी ही बसी हुई है अभी तक। उसका प्यार आज नहीं तो कल कामयाब हो जाएगा, यही सोच रहे थे हम लोग, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से अब हम वो भी नहीं सोच सकते, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहा था, क्योंकि अब ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। विराज और नंदिनी के बीच में आकर मैं खुश वैसे भी नहीं रह सकती, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी, अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ठीक है बेटी। हेलो, तुमने ही तो मुझे आने के लिए कहा। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, तुम ही ने कहा था। तुमने कहा था, मैंने ही तुम दोनों को कॉल किया था और तुम्हें यहाँ बुलाया था, सो डोंट बी सरप्राइज्ड। किस लिए रेखा? क्लैरिटी के लिए। किस बात की क्लैरिटी? शादी कोई मजाक नहीं है विराज, पूरी जिंदगी का सवाल है, और जब तक तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रेखा, व्हाट इज दिस? विराज, मैं तुम्हारे अंकल की बेटी हूँ, लेकिन मैं एक मॉडर्न गर्ल भी हूँ, एंड वन मोर थिंग, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में भी तो सोचना है। तुम्हारी लाइफ का क्या होगा? ये बताओ ये कौन है? ये नंदिनी है। हाँ? नंदिनी? नंदिनी कौन? जवाब दो विराज, नंदिनी कौन है? रेखा, तुम्हें क्या चाहिए, ये ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? रेखा, तुम्हें पता भी है कि ये जो नंदिनी है ये वर्जिन है भी या नहीं? विराज, तुम्हारा गुस्सा बताता है कि तुम नंदिनी से बेहद प्यार करते हो, नंदिनी को पाना चाहते हो, इसलिए अब ये नाटक करना बंद करो, और तुम भी नंदिनी अपनी जिंदगी को जियो, आगे की जिंदगी के बारे में सोचकर सही रास्ता चुनो। विराज की कोई गलती नहीं है इसमें, सिर्फ मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं अपने मम्मी डैडी की इकलौती बेटी हूँ। ओह, तो गलती तो तुम्हारे मम्मी डैडी ने की, सजा तुम लोग क्यों भुगतोगे? समझ में नहीं आता, माँ पापा तो हमारे वेल विशर होते हैं, और मेरे तो नाना नानी हैं, और हम अपने पेरेंट्स को जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं कर सकते, इसलिए तुम ही बताओ आगे क्या करना है। ये सब तुम दोनों ही सोचो। रेखा, वेट 2 मिनट्स। विराज ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपने प्यार का त्याग किया है, इतना अच्छा लड़का तुम्हें और कहाँ मिलेगा? सेम टू यू नंदिनी, इतना अच्छा लड़का तुम्हें और कहाँ मिलेगा? मैं कैसी लड़की हूँ ये तुम जानती भी नहीं, और तुम एक अच्छे लड़के को मेरे साथ रहने के लिए कन्विंस कर रही हो? तुम अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली को थोड़ा सा कन्विंस नहीं कर सकती हो क्या? तुम दोनों को देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों प्यार के लिए त्याग कर रहे हो?
बल्कि धोखेबाज लगते हो। प्यार कभी मरता नहीं है, तुम लोगों के डर की वजह से ये मर रहा है। दिल से प्यार को मारने के बजाय जाकर तुम दोनों ही मर जाओ। लेकिन प्यार को मत मारो, और मेरी बात नहीं मानिए तो जस्ट गो एंड डाई। नंदिनी, विराज, नंदिनी, विराज, नंदिनी, विराज। हे, स्टॉप, मेरे साथ मजाक कर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए। जिंदगी एक जंग है, फिर भी हम जी रहे हैं, आगे भी जीते रहेंगे। मेरा नाती भी हम में से एक है। हमें इस जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, ऐसी मेरी सोच है। लेकिन मेरा ये नाती जिंदगी में अकेला नहीं है और हिम्मत से आगे भी जिएगा, ये समझ गया हूं। कॉम्प्रोमाइज वो क्यों? माँ और पापा को तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं बस आप दोनों को ही अपने माँ पापा समझकर बहुत ही खुशी से जी रहा हूँ नाना जी। ये है रिश्तों की ताकत। बचपन से हमारे बेटे ने हमसे जो कुछ भी मांगा है वो हमने इसे दिया है, लेकिन अब ये जो मांग रहा है वो हम इसे नहीं दे सकते। ये आपके हाथ में है, आपकी आपकी बेटी का प्यार। आज तक मेरी बेटी ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी कार, लग्जरी लाइफ, मैंने सब कुछ अपनी बेटी को दिया। लेकिन जब मैंने इससे कहा कि तुम भी मेरी हैसियत के हिसाब से जियो, तो पता है इसने क्या कहा? इसने मुझसे कहा कि डैडी, सिर्फ स्टेटस के कारण ही किसी की जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती। बेटी, साधारण जिंदगी क्या होती है तुम जानती हो? जब भूख लगे तो खाना खाने के लिए 3 स्टार या 5 स्टार होटल जाना जरूरी नहीं है। जब भूख लगी होती है तो खाना चाहे कैसा भी हो, इंसान को ना मिले तो वो मर सकता है ना डैडी, इसमें स्टेटस क्या करेगा? शादी की बात हो तो जायदाद, दौलत, स्टेटस के बारे में ही हम सोच रहे थे, लेकिन हमारी बेटी वहाँ खुश कैसे रहेगी, इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और अब हमें औकात, स्टेटस कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी आपकी बहू बनेगी। सुनकर अच्छा लगा। आओ आओ सूत्रधार, हमारी आज की खुशी की वजह सिर्फ तुम ही हो। लेकिन रेखा बेटी, तुम्हारा क्या होगा? Cheer up everybody, that's okay, I'm fine. मुझे कोई और मिल जाएगा, मेरा क्या? बस करिए, सबकी शादी हो रही है, मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत, तुम तो अभी बच्चे हो। साहब, नमस्ते। साहब नमस्ते। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़ा पैसा चाहिए था। ओ, ओ। ये लो, और चाहिए तो बता देना। जाओ जाओ, जाओ। नमस्ते भाई जी। हाँ? बहन के एडमिशन के लिए कॉलेज में फीस। अच्छा, ये लो। थैंक्स भाई जी, चलो खुश रहो, खुश रहो। पॉलिटिशियन होना बहुत मुश्किल का काम होता है ना? I hate politicians. Hey, कौन है रे तू? खुले आम लड़की के साथ तू मस्ती कर रहा है? जरा इंट्रोडक्शन तो दे अपना, यहाँ का MLA है क्या? हा? जरा सुनिएगा, आप बुरा मत मानिए, ये मैटर जो है ना, थोड़ा प्यार वाला मैटर है, इसीलिए जरा आराम से पेश आइए। प्यार के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। ऑल द बेस्ट, मामला सेट हो जाए तो रात पे पार्टी दे देना। पुलिस वाले तो मुझे देख कर ही डर जाते हैं। आप मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। सच में अब मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। I love you. Really, I like you. I love you too. आज शुक्रवार है,
हमारे घर में आने वाली महालक्ष्मी को हमारे कुलदेवी के मंदिर में ले जाकर उसके हाथों पूजा अर्चना करवा कर लाना चाहती हूँ। शाम को ठीक रहेगा ना? अरे आराम से लेकर जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। 5 मिनट में मेरे भैया आ जाएंगे। अमेरिका में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं वो, बस आते ही होंगे। आप लोग एक बार उनसे भी मिल लीजिए। ओह, लगता है आ गए। आ जाओ। हाँ महेश। नमस्ते भैया। आइए आइए। कैसे हो महेश? आइए आइए भैया। चलिए। ये जयराज जी हैं। नमस्ते। और ये नमस्ते। उनकी पत्नी है। नमस्ते, नमस्ते जी, मिलके खुशी हुई। विराज देखो यहाँ ना बेटा। अच्छा विराज, इधर आओ। हाँ, ये है, इसे तुम जानते हो? हाँ, क्या आप इसे जानते हैं भैया? अच्छे से जानता हूँ, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ भैया, आप इसे कोई और समझ रहे हैं। हम सही समझ रहे हैं, मेरा पैर तोड़ने वाला यही आदमी है। ये क्या कह रहे हैं, मेरे नाती ने आपके बेटे का पैर तोड़ा? ये हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। आप बड़े लोग हैं ना, ये आपका पोता है, इसलिए प्यार में आपको कुछ दिखाई नहीं देता। ए जरा इधर आओ, पूछिए इसे, इसका पैर किसने तोड़ा है, पूछिए। बोलना। ए इधर आओ। विराज बताओ, इसका पैर किसने तोड़ा? हाँ नाना जी, इसका पैर मैंने ही तोड़ा। अब विश्वास हो गया ना आपको कि मेरे बेटे का पैर इसने तोड़ा है? शाबाश, अच्छा नाना, अच्छा नाती, बहुत सही नाटक करते हो तुम लोग। सर बिना सच जाने आप कुछ मत कहिए प्लीज। अब और क्या जानने की जरूरत है, तुमने मेरे भतीजे का पैर तोड़ दिया, इसी से पता चलता है कि तुम कैसे लड़के हो। मैं तो पुलिस में कंप्लेन करना चाहता था कि इसने मेरे बेटे का पैर तोड़ा है, लेकिन कंप्लेन करने पे ये मेरा पैर तोड़ देगा, ऐसी धमकी देके गया था ये। ए, ए, क्या हो गया इसे? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरे बेटे को? मैंने इसका पैर तोड़ा है। कौन हो तुम और पैर क्यों तोड़ा? गलती की है इसलिए इसका पैर तोड़ा है। अपने बेटे को जरा संभाल कर रखना। ए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर पुलिस के पास गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। सावधान। इस घटिया लड़के से मेरी बेटी की शादी की बात चली अगर मुझे पता होता ना तो मैं पहले ही मना कर देता। इसने गलती की इसीलिए आप चुप है ना? देखिए आप ऐसा आरोप मत लगाइए, मेरा नाती ऐसी गलती नहीं करेगा। सबके सामने सच्चाई आ गई फिर भी आप इसका चुपचाप सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ, मेरा नाती कभी नहीं करेगा। इसने जरूर कोई गलती की होगी जिसकी सजा इसने दी होगी। ए, बताओ क्या गलती की थी इसने, बताओ। नाना जी, उस दिन ये और इसकी गैंग मेरी फ्रेंड को किडनैप करके लेकर गए थे। अबे इतनी जल्दी क्या है यार? शुरू करता हूँ मैं। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। सच कह रहा हूँ, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, लगता अभी शुरू हो जाऊँ। क्या यार, प्यार मत करो, प्यार मत करो, मैंने बोला था ना तुमसे, तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। उस लड़की को उठा कर लाया, देखो कुछ नहीं कर पा रहा है वो। तू भी ना टाइम वेस्ट मत कर, लग जा, शुरू हो जा। हैं ए छोड़, छोड़ो उसे, छोड़ो। विराज you
मैंने पहले ही कह दिया था मेरा नाती गलत काम नहीं करेगा। ऐसे हालात में कोई भी लड़की हो तो मेरे नाती ने जो समय किया वही करना चाहिए था। इसे गलत नहीं ठहरा सकते तुम लोग। गलती तुम्हारे बेटे ने की है और दोष मेरे पोते को दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे ना, पता नहीं ये क्या क्या गुल खिलाएगा। आपसे हमारा रिश्ता नहीं हो सकता था, फिर भी अपने बेटे के लिए मैंने हाँ कहा। पिछली बार एक छोटी सी गलती के लिए आपने मेरी बेइज्जती की, फिर भी वो सब भूल कर मैं इस शादी के लिए राजी हुआ। लेकिन इस बार चाहे कोई जिए या मर जाए, फिर भी मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। चलिए जाइए यहाँ से। आप लोग ऐसे शांत क्यों बैठे हैं? अभी भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? विराज, मैं तो बड़े प्यार से उसे इस घर में लाना चाहती थी, लेकिन लगता नहीं है। तुमने सही कहा। कौन है ये? राज, विराज, मेरा नाती है, मेरा खून है। हम लोगों से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। कहीं गलती हो रहा है तो उसे देखकर हम चुप नहीं रह सकते। ये तो हमारे खून में है। नंदिनी हमारे घर की बहू बने ये ऊपर वाला भी नहीं चाहता है। वो ऊपर बैठे बैठे क्या खेल खेलेगा पता नहीं। ठीक है, लेकिन उसे जैसा खेलना है खेलते रहने दीजिए। लेकिन आप दोनों मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए नाना जी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो प्रोजेक्ट फाइल रेडी करो, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, तुम आकर के मिल लेना, ठीक है ना? समझ गए? अच्छा सुनो। नमस्ते सर। यस। आपके बेटे के बारे में मुझे एक बात करनी थी। वो क्या है कि सर, हम दोनों विराज के फ्रेंड्स हैं। मैं बाद में फोन करता हूँ। विराज, मैं आपको बिल्कुल सच सच बता रही हूँ अंकल। जिस लड़की ने मेरा रेप करने की कोशिश की थी वो यही है। क्या बात कर रही हो? आई कांट बिलीव दिस। सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर उस दिन विराज वहाँ पर नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ नहीं खड़ी होती। मैंने खुदकुशी कर ली होती। क्या है ये? तुम लोग ये क्या कह रहे हो? तुम लोग क्या यही कहने के लिए आए हो? सर, उस दिन हम आपके बेटे के बारे में कुछ बताते हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था सर, लेकिन आज है। ये देखिए सर, देख रहे हैं सर? ए, इतने दिनों से तेरा नंबर ट्राई कर रहा हूं मैं, आज नहीं छोड़ूंगा। आज तेरे साथ मैं पूरी रात जी भर कर प्यार करूंगा। क्या सोच रही है तू? आज के रात तुझे मेरे साथ जाना होगा। छे, आज तुम्हारी वजह से उनकी शादी रुक गई है। तुम्हें अपने पापा को बिल्कुल सच सच बता देना चाहिए, वरना उन दोनों के साथ अन्याय होगा और ये शादी रुक जाएगी। शादी रुक जाने दे, उसने मेरा पैर तोड़ा है ना, उसके साथ ये होना ही चाहिए। मैं तेरा इंतजार करूंगा, टाइम पर पहुंच जाना। तो उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी टूटेगी उनकी। लेकिन जरा अपनी बहन नंदिनी के बारे में तो सोचो। उसने प्यार किया है, उसे भोगने दे, उसकी किस्मत ऐसी है। आखिर तुम उससे किस बात का बदला लेना चाह रहे हो? तू फालतू की बकवास मत कर, मैंने गेस्ट हाउस बुक किया, तू पहुंच जाना। तो इतना नालायक होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बेटा और ऐसा, घर की मान मर्यादा तुम्हें किसी की भी फिक्र नहीं। सर, विराज इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो पूरी तरह से अनजान है सर। ये शादी नहीं रुकनी चाहिए सर। अभी भी देर नहीं हुई है, आप जाकर बात कर सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जाइए ना अंकल, प्लीज। प्लीज सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं शरद बोल रहा हूँ। हाँ बोल, तूने मुझे फोन क्यों किया? सर, मुझे आपकी इस वक्त बहुत जरूरत है सर। क्या एमएलए बना हो सिर्फ मदद करने के लिए? सर, मेरा एक दुश्मन है सर, कैसे भी करके मुझे उसका खेल खत्म करना है सर। उसका केस निपटा दो सर, उसका नाम है विराज। उस विराज को तो मैं आज या कल खत्म करना ही चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। अरे मैं डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। अगर मैंने कोई गड़बड़ की तो सारे गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। सर, तू मेरी बात सुन। मैं जिससे मिलने के लिए कहता हूँ जाकर उससे मिल ले, वो तेरा काम कर देगा, समझ गया ना? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ
आपने बुरे टाइम पे मेरी बहुत मदद की है, मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। उसका नाम बताइए, आप बीच में पढ़ के अपना नाम खराब मत कीजिए। मेरे होते हुए चिंता मत करो ब्रदर, मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा भाई, बस उसका नाम बता दीजिए मुझे। हाँ वीराज। अच्छा तो ये बात है, उस चिल्लर पार्टी को मैं संभाल लूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए भाई, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। महेश, तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो? अब क्या बात करूं भैया, देखो गलती हमारी ही है, मैं समझ गया, हमारी गलती की वजह से उन दो प्रेमियों को अलग करना गलत बात है। नंदिनी की शादी विराज से ही करवाओ। जब भी उन दोनों की सगाई रखते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, मुझे तो लगता है उन दोनों का मेल हो ही नहीं सकता। सुनो तुम उदास मत हो। सुनो भैया, मैं नंदिनी की शादी किसी और लड़के से कर दूंगा। जल्दबाजी में फैसला मत करो। अब कुछ मत बोलो भैया, जस्ट लीव मी अलोन। उस लड़की के बारे में क्या है? आपसे कुछ बात करनी है। आपको जमीन मिल जाएगी और मुझे मेरी जान। या श्योर? यस श्योर, काम हो जाना चाहिए। अरे उसे उठा के लाओ। hey, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या बात है? अंकल जी, बोला था शादी मत करवाओ पर माने नहीं। हाँ अब देखो, ए उठाओ इसे, उठाओ जल्दी करो, निकालो इसे, छोड़ो मुझे। मारो। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? आप नाराज मत होइए, हम लोग यहाँ पर बस आपसे मिलने आए हैं। ये जो कुछ भी हुआ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं होता,
मौत के वक्त हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाते, जब तक हम जिंदा हैं तब तक बस ये है, ये मान मर्यादा स्टेटस ये सब हम जो देखते हैं ना, हमारे साथ कुछ नहीं जाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, अपना काम कर रहा है। मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ए, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? आप अगर आज यहाँ जिंदा हैं तो उस गरीब की वजह से, उस गरीब ने आपको नई जिंदगी दी है। आपके शरीर में बहने वाला जो खून है वो उस गरीब का ही है। हाँ? जी हाँ, हम चाहे कितने भी पैसे खर्च करते लेकिन आपका जो ब्लड ग्रुप है वो हमें नहीं मिल सकता था, लेकिन ये एक भगवान की तरह आए और आपको खून देकर आपकी जान बचाई। हाँ ये देखिए इन्होंने। अब हम चलते हैं। रुक जाइए, नंदिनी और विराज की शादी भी तो करवानी है ना। हाँ। तो फिर हम लोग कल मंगनी रखते हैं। अब मंगनी की कोई जरूरत नहीं है, सीधे अब इन दोनों की शादी होगी। जी ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक शर्त है, नंदिनी का कन्यादान मैं नहीं बल्कि रंगन्ना करेगा। सही बात कही आपने, मुझे बहुत खुशी हुई।